तो दोस्तों, मिरेकल गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन घूमने के बाद अब मैं दुबई की ग्लोबल विलेज आ चुका हूँ, जो कि शेख मोहम्मद बिन जायद रोड E311 पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लोबल विलेज है क्या। तो एक्चुअली में ये एक सिंगल प्लेस है जहाँ पर मोर देन 90 कंट्रीज के कल्चर को शो किया गया है। उस कंट्री से रिलेटेड जो भी फूड है, जो भी डांस फॉर्म्स हैं, क्लोथ्स हैं, सोवेनियर्स हैं या और भी चीज़ें हैं, जो फेमस चीज़ें हैं उस कंट्री से रिलेटेड, वो यहाँ पर शो की गई हैं। और ये यहाँ का एंट्री पॉइंट है। जैसे ही आप एंटर करेंगे कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो अब जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इजिप्ट के फराओ के स्टैचू रखे हुए हैं, इटली की पीसा की मीनार है, अफ्रीका का स्टैचू है। अब इसे ये देखिए, चाइनीज टेम्पल को रिप्लीकेट करने की कोशिश की हुई है। और ये फ्रंट गेट है जैसे ग्लोबल विलेज में आप एंटर करेंगे। और इसके इस तरफ देखिए, ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एक ये रेप्लिका रखा हुआ है। तो एक्चुअली में इससे आपको आइडिया मिल जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर 90 कंट्रीज़ के कल्चर को शो करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर वही किया गया है कि जिस भी कंट्री का जो भी फेमस वहाँ का आइकॉनिक मोनूमेंट्स है, उसको यहाँ रिप्लीकेट करने की कोशिश की गई है। तो इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि अंदर जो पेवेलियंस बने हुए हैं तो उनमें क्या चीज़ें रखी गई होंगी। एंड आउट ऑफ 90 कंट्रीज, यहाँ पर 27 कंट्रीज़ को अपनी डेडिकेटेड स्पेस मिली हुई है, जिसको कि यहाँ पेवेलियन बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर पेवेलियन में आप उस कंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर जिन कंट्रीज़ के ऐसे डेडिकेटेड पेवेलियंस हैं, उनमें से कुछ कंट्री का नाम मैं आपको बताता हूँ। जिनमें से कुछ कंट्री UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इसके अलावा चाइना, इजिप्ट, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, लेबनान, मोरक्को। तो कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनको यहाँ पर डेडिकेटेड पेवेलियंस मिले हुए हैं, तो आप ये घूम सकते हैं यहाँ पर। और अगर बात करें ग्लोबल विलेज की, तो ये बहुत ही बड़ा है। और इसका आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका जो एरिया है वो लगभग 1,72,00,000 स्क्वायर फीट से भी बड़ा है। तो एक सिंगल डे में इसको पूरा कंप्लीट करना मुश्किल है। तो बेटर है कि आप जैसे ही यहाँ पर ग्लोबल विलेज के अंदर आते हैं, तो आप यहाँ पर एंट्री गेट का मैप ले सकते हैं और आप ये कर सकते हैं प्लानिंग उसी हिसाब से। आप ये पहले आइडेंटिफाई कर लें कि आप किन कंट्रीज़ के पेवेलियन देखना चाहते हैं या कौन सा पार्ट है जो ग्लोबल विलेज का जो आप यहाँ पर करना चाहते हैं विजिट, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर देखें। अदरवाइज़ आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसके सारे कॉर्नर्स देख पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये देखिए, अभी चलते चलते हम लोग कुवैत के पेविलियन आ गए। तो ये कुवैत पेविलियन का गेट है, जिस पर कि ऊपर देखिए ऐसे बोट बनी हुई है। और इसके अगर अंदर चलें जल्दी से, तो इसमें डिफरेंट शॉप्स हैं जिसमें कि कुवैत के ट्रेडिशनल यहाँ क्लोथ्स और भी आर्टिफैक्ट्स आर्टिकल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो मैं काफ़ी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इस पेविलियन के अंदर काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और देखिए, इससे बाहर निकल के ये सामने देखिए टर्की यानी तुर्की का पेविलियन दिख रहा है। और ये देखिए, ये सामने यमन का पेविलियन। तो ऐसे जो भी कंट्री का नाम बताया था मैंने, उनके पेविलियंस ऐसे हैं। और आप जिस भी कंट्री के पेविलियन में एंटर करना चाहते हैं, आप वहाँ जाके और उसके अंदर की सारी चीज़ें देख सकते हैं। उस कंट्री से रिलेटेड जितनी भी आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी शॉप्स अंदर हैं, जो भी फेमस चीज़ें हैं। ये देखिए, सामने इजिप्ट का पेविलियन है। तो ये सामने देखिए, जो वहाँ का फेमस टेंपल है अबू सिंबल, उसको रिप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। ये फराओ के स्टैचूज हैं। ये मोरक्को का पेविलियन है। और इसके बाहर ये देखिए, इब्न बतूता का स्टैचू बना हुआ है। इब्न बतूता मोरक्को का बहुत ही फेमस ट्रैवलर और एक्सप्लोरर था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है मोरक्को के लिए। तो इसके पेविलियन के बाहर इसका स्टैचू बना हुआ है। तो ऐसी जो भी फेमस चीज़ें हैं या फेमस पर्सनालिटीज़ हैं किसी भी कंट्री से रिलेटेड, तो उसके पेविलियन के बाहर उसको ऐसे शो किया गया है। और ये देखिए, ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का पेविलियन है, ये भी काफ़ी ग्रैंड लग रहा है। तो इस पार्ट में अभी तक हम लोगों ने ये काफ़ी पेविलियन देख लिए हैं। और ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये देखिए इंडियन पेविलियन है, अभी पास जाके इसको देखेंगे। और ये ईरान का पेविलियन है, देखिए ये भी काफ़ी सुंदर है।
लेकिन अभी तक मुझे जो सबसे ग्रैंड लगा है वो इंडियन पवेलियन दिख रहा है। और इधर देखिए ये पूरा इंडियन चाट बाजार है, तो और ये जो कि वहाँ तक है इंडियन पवेलियन, और ये गोल्डन कलर का है, काफ़ी अच्छा लग रहा है दूर से, थोड़ा सा इसको पास से चल के देखेंगे। बट अभी तक देखने में ये पवेलियन, अभी तक इतने पवेलियन मैंने देखे हैं, ये उन सबसे ग्रैंड लग रहा है। और एक एंट्री जो है ये देखिए इधर से भी है ग्लोबल विलेज की, तो अगर आप इस गेट से आते हैं तो सीधे आपको इंडियन पवेलियन मिलेगा। तो इंडियन पवेलियन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए जैसा बताया काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है, और यहाँ पर काफ़ी फूड स्टॉल्स हैं। इसे चाट तो काफ़ी फेमस है इंडिया का, तो ये देखिए ये यहाँ पर देसी चाट के काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये जो हमारे फेमस डांस फॉर्म्स हैं उनको यहाँ दिखाया गया है। और इंडियन पवेलियन के ठीक सामने यहाँ पर लेबनान और कतर के ये देखिए सामने पवेलियन हैं, ये छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन पवेलियन। इंडियन पवेलियन काफ़ी बड़ा है, ये लगभग 3-4 छोटे पवेलियन के बराबर है, और इसमें अंदर की तरफ काफ़ी शॉप स्टॉल दिख रही है। जो थोड़ी देर बाद फिर से इसको एक्सप्लोर करेंगे, अभी बाहर से कुछ और पवेलियंस देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सब में अंदर चला जाएगा। और मैं वीडियो में आपको सारे पवेलियंस नहीं दिखा पाऊँगा अंदर से, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। तो एटलीस्ट मैं इंडियन पवेलियन और कुछ फेमस जैसे इजिप्ट और एक दो और कंट्री में ट्राई करूँगा कि आपको अंदर से शो कर पाऊँ। और ये एक्चुअली में ग्लोबल विलेज इतना बड़ा है कि इसमें मुझे लगता है कि आपको कई घंटे लग जाएंगे और स्टिल आप इसको पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। तो गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो ग्लोबल विलेज है ये संडे से थर्सडे शाम को 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक ओपन रहता है। जो एंट्री गेट है वो रात में 11:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट आप रात के 12 बजे तक आप यहाँ ग्लोबल विलेज के अंदर रह सकते हैं। और फ्राइडे सैटरडे और पब्लिक हॉलीडेज इसमें ये 4 बजे शाम से लेके और रात के 1 बजे तक खुला रहता है, और एंट्री गेट इसके 12:30 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन आप 1 बजे तक रह सकते हैं। और जब रमादान का टाइम होता है तो इसका जो आवर्स हैं वो थोड़े चेंज किए जाते हैं, फिर ये शाम को 6 बजे से लेकर के और रात को 2 बजे तक खुला रहता है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये मंडे को केवल फैमिलीज के लिए और लेडीज़ के लिए होता है ओपन, तो अगर आप अकेले मेल हैं या ग्रुप में आ रहे हैं तो आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। और फ्राइडे और सैटरडे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउड होता है वीकेंड की वजह से, बट एक इसका फ़ायदा ये है कि इस दिन यहाँ फायरवर्क्स होता है, तो वो आप देख सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। और वीकेंड पर जो है यहाँ काफ़ी ऑफर्स होते हैं, तो अगर आप शॉपिंग करते हैं या आप यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर अगर आप कुछ खाते हैं तो आपको काफ़ी ऑफर्स यहाँ मिल जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं, अगर आपको क्राउड में आने में कोई दिक्कत नहीं है तो आई थिंक फ्राइडे सैटरडे आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, और अगर आपको क्राउड से बचना है तो आप बाकी दिन प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ग्लोबल विलेज पूरे ईयर में केवल 6 मंथ के लिए ओपन होता है, एंड यूजुअली ये मंथ्स होते हैं अक्टूबर से लेके अप्रैल, तो इसमें केवल डेट चेंज हो सकती है हर साल, लेकिन मंथ्स जो है सेम रहते हैं। जैसे अगर बात करें 2022-2023 की, तो ये 25 अक्टूबर 2022 से लेके 29 अप्रैल 2023 तक ओपन रहेगा, और जो ये वाला साल है उसको सीजन 27 बोल रहे हैं। अब इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ग्लोबल विलेज में अगर बात करें कि कितने विजिटर्स आते हैं, तो लगभग 6-7 मिलियन, मतलब 60-70 लाख विजिटर्स यहाँ पर आते हैं केवल इन 6 मंथ्स में। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये डेली कितना क्राउडेड होता है, और ख़ास करके वीकेंड्स और पब्लिक हॉलीडेज पर तो यहाँ पर काफ़ी विजिटर्स आते हैं। तो मैंने बताया कि जो ये वाला ईयर है 2022-2023 ये सीजन 27 है, इसका रीज़न ये है कि ग्लोबल विलेज जब स्टार्ट हुआ था तो ये स्टार्ट हुआ था 1996 में, तब ये काफ़ी छोटे लेवल पर स्टार्ट हुआ था, दुबई क्रीक के पास एक छोटी सी साइट थी जहाँ पर मल्टीपल कंट्री के कियोस्क रखे हुए थे। और जो इसका आइडिया था वो सेम था कि मल्टीपल कंट्रीज के कल्चर को, वहाँ की फेमस चीज़ों को शो करना था।
लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी छोटे लेवल पर हुआ था, और इवन देन इसमें 5 लाख टूरिस्ट आए थे फर्स्ट ईयर में, और धीरे धीरे जब उसको यहाँ शिफ्ट किया गया और इसे काफ़ी ग्रैंड लेवल पर ले आया गया है, तो यहाँ पर जो विजिटर्स हैं वो भी 6 से 7 मिलियन पर ईयर हो गए हैं। ग्लोबल विलेज में हर साल कुछ नए पेवेलियंस, कुछ नए शॉपिंग आउटलेट्स और नए एंटरटेनमेंट ऑप्शंस, एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें ऐड की जा रही हैं। और अगर बात करें सीजन 27 की, जो 2022-2023 ईयर का सीजन है, तो इसमें एस्टिमेटेड है कि अप्रॉक्सीमेटली 40,000 एंटरटेनमेंट के शोज यहाँ पर होंगे, जो डिफरेंट पेवेलियंस को मिला करके हैं। तो आप मोस्टली किसी भी दिन आएंगे, आपको यहाँ पर कोई ना कोई शो होता हुआ दिखेगा, और ख़ासकर वीकेंड पर जैसा मैंने बताया कि फायरवर्क्स होता है, और जो यहाँ पर एंटरटेनमेंट के शोज होते हैं वो वीकेंड पर ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, जैसे कि जेसन डेरुलो, लियाम पेन, शाहरुख खान, यहाँ राहत फतेह अली खान आ चुके हैं, नेहा कक्कर, गुरु रंधावा, आतिफ असलम, तो ये सारे आर्टिस्ट यहाँ पर आके परफॉर्म कर चुके हैं। और यहाँ पर हर साल पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई नया एक्टर या परफॉर्मर यहाँ पर आके और कोई ना कोई शो करता है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ अमेरिका का पेवेलियन है, और उसके ठीक सामने ये देखिए रिप्ले का बिलीव इट और नॉट, ये एक्चुअली ऑडिटोरियम और म्यूजियम है, ये भी काफ़ी ग्रैंड है। और यहाँ जितने पेवेलियंस हैं उनमें कुछ वहाँ के कल्चरल शोज और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, जैसे ये देखिए मोरक्को के पेवेलियन में यहाँ पर सिंगिंग चल रहा है। ग्लोबल विलेज किसी मेट्रो से कनेक्टेड नहीं है, तो अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप या तो अपनी कार से या कैब से यहाँ पर आ सकते हैं। बस के कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे बसेज नंबर 102, 103 एंड 104 हैं, जो कि डिफरेंट प्लेसेस से यहाँ पर आती हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके रूट पर है तो आप बस भी ले सकते हैं। और अगर बात करें टिकट की, तो आप टिकट यहाँ के काउंटर से भी ले सकते हैं, लेकिन जैसा बताया मैंने कि यहाँ पर काफ़ी क्राउडेड होता है, तो आई थिंक बेटर है कि आप टिकट ऑनलाइन लेके आएँ, और ऑनलाइन टिकट लेने पर 10% का डिस्काउंट भी मिलता है आपको। तो आप ग्लोबल विलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से उस पर जाके आप ये ऑनलाइन टिकट एडवांस में बाई कर सकते हैं, या काफ़ी और भी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑफर्स देती हैं, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। और ये जल्दी से एक बार जापान के पवेलियन को देख लेता हूँ। देखिए ये अंदर से इसका इंटीरियर काफ़ी ट्रेडिशनल है, जैसे जो जापानीज हाउस या टेंपल्स होते हैं अंदर से बिल्कुल वैसा ही इसको बनाने की कोशिश की गई है। और ये अंदर देखिए काफ़ी सामान, सुवेनियर, ये सब अगर आपको ख़रीदना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मेनली यहाँ पर दो टाइप के टिकट हैं, एक है जिसको कि वैल्यू टिकट बोलते हैं, जो कि 20 दिरहम का है, और दूसरा टिकट है एनी डे टिकट, जो कि 25 दिरहम का है। तो जो डे टिकट है उसको लेके आप संडे से थर्सडे किसी भी दिन एंट्री कर सकते हैं, बट आप उस टिकट के साथ फ्राइडे, सैटरडे और किसी भी पब्लिक हॉलीडे में नहीं आ सकते हैं। और जो एनी डे टिकट है, अगर वो आपने लिया हुआ है, तो आप पूरे सीजन में किसी भी दिन एंट्री कर सकते हैं ग्लोबल विलेज में। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कौन सा टिकट आपको लेना है, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के प्राइस में। और छोटे बच्चे जो कि 3 साल से छोटे हैं और सीनियर सिटीजन, इनके लिए एंट्री फ्री है। और आपके पास VIP पास लेने का भी ऑप्शन है, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसमें क्या है कि फिर आप एंट्री के लिए जो क्राउड से बच जाएंगे, क्यू में आपको नहीं खड़ा होना पड़ेगा,
और उसके अलावा और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं और कुछ डिस्काउंट कूपन्स हैं, तो आप VIP पास भी चेक कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर हर साल कुछ नया ऐड करते हैं, जैसे ग्लोबल विलेज में कोई नए पवेलियंस या नए रेस्टोरेंट्स और कैफेज कुछ ऐड हो रहे हैं। तो अभी अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 250 के आसपास यहाँ पर रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज हैं, तो आपके पास प्लेंटी ऑप्शंस हैं अगर आप यहाँ पर कुछ भी ट्राई करना चाहते हैं फूड या कैफे में। और ये सामने देखिए ये ईरान का पवेलियन, ये लाइट में कितना सुंदर लग रहा है। कुछ पवेलियंस हैं काफ़ी ग्रैंड हैं, ये देखिए सामने ये इंडियन पवेलियन अपना, ये लाइट में कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है। तो चलते हैं इसमें भी जल्दी से और देखते हैं पवेलियन के अंदर क्या है। जैसे ये देखिए कश्मीर हेरिटेज, और यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें ले सकते हैं, सारी इंडियन चीज़ें यहाँ पर हैं, फेमस चीज़ें। यहाँ पर कश्मीर से काफ़ी चीज़ें हैं, इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से भी काफ़ी चीज़ें देखी मुझे। तो ग्लोबल विलेज में पेवेलियंस तो हैं ही, जो मैंने बताया था आपको मल्टीपल कंट्रीज़ के पेवेलियंस हैं। इसके अलावा यहाँ ओपन में भी काफ़ी चीज़ें हैं, स्टॉल्स हैं, शॉप्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। और इसके अलावा यहाँ कार्निवल जोन है जिसमें मोर देन 170 राइड्स और गेम्स हैं, और यहाँ पर आपको बहुत टाइप की राइड्स मिलेंगे जो कि छोटे बच्चों से लेके और एडल्ट्स के लिए है। कुछ तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी राइड्स हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर रिपली का बिलीव इट और नॉट है, यहाँ पर एक्चुअली में ऑडिटोरियम एंड म्यूजियम है जहाँ पर रोज ही परफॉर्मेंस होती रहती है, और एक म्यूजियम भी है। उसके अलावा यहाँ पर स्नो क्रिस्ट आइस रिंक है जहाँ पर आप यहाँ स्केटिंग और आइस स्कीइंग कर सकते हैं। और यहाँ पर हॉन्टेड हाउस और हाउस ऑफ फियर है, अगर आपको इसमें जाना है तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। और जो ये सारी जगहें हैं इसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा अलग से, जो ग्लोबल विलेज की जो एंट्री टिकट है उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको आके यहाँ पर सेपरेटली टिकट लेना पड़ेगा। और यहाँ पार्किंग के भी कई सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ फ्री पार्किंग भी है जहाँ पर मोर देन 18,000 व्हीकल्स पार्क हो सकते हैं, और VIP पार्किंग भी यहाँ पर है, यहाँ पर आप वैली पार्किंग भी करा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पर। और जो ये रिप्ली बिलीव इट और नॉट है इसमें काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं, और इसमें जो विनर्स हैं अमेरिका गॉट टैलेंट या वेरी अनबीटेबल, उनके विनर्स भी यहाँ पर आके और यहाँ डांस परफॉर्म करते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना चाहते हैं इसके अंदर जाके, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये इंडियन पवेलियन के अंदर बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के गाने गा रहे हैं। देखा काफ़ी क्राउड है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और इंडियन चाट बाज़ार को आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा डिस्टेंस में फैला हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं जैसे बॉम्बे से, जयपुर से भी है, यहाँ लखनऊ से भी है, तो बहुत सारी यहाँ पर चाट की दुकानें हैं। तो फ्रेंड्स चलते चलते अब इजिप्ट के पवेलियन भी आ गए, तो एक बार इसको भी अंदर से देखते हैं। ये देखिए बाहर से इसका गेट बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी लाइटिंग की गई है इसकी।
और अंदर चल के देखते हैं, इसमें भी काफ़ी डिफरेंट शॉप दिख रही हैं और ट्रेडिशनल इजिप्शियन कपड़े या सुवेनियर्स हैं, लैंप्स दिख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये अंदर से देखने में। देखिए स्टेज परफॉर्मेंस इस पवेलियन के अंदर भी हो रही है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर जितने भी पवेलियंस हैं उनके अंदर अपने एंटरटेनमेंट के शोज होते रहते हैं, और अगर आप कोई भी शो वहाँ पर अटेंड करना चाहते हैं तो वो स्टेज के पास एक बोर्ड पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस टाइम पर कौन सी परफॉर्मेंस होने वाली है, तो आप वो देख सकते हैं। और अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर शो देखना है तो आप उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था इंडियन पवेलियन में, हम लोगों को सिंगिंग वाला देखना था, तो वो हमने देख लिया था टाइम, तो वो वहाँ पर 8:30 बजे से स्टार्ट होना था, तो हम उस टाइम पर इंडियन पवेलियन में वापस आ गए थे। तो ऐसे करके आप प्लान कर सकते हैं, जिस भी पवेलियन में आपको कोई भी शो देखना हो वो आप प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ लगभग ग्लोबल विलेज में 5 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी पवेलियंस मैंने देखे भी, बट मुझे लग रहा है कि मैंने ग्लोबल विलेज का अभी 10% भी कवर नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो आप लोग वैसे ही प्लान करके आएँ और कोशिश करें कि जैसे ही ये ग्लोबल विलेज ओपन होता है आप इसमें एंटर कर जाएं, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो और आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ। और चलते चलते मैं इसका भी फीडबैक देता हूँ, तो ग्लोबल विलेज भी मेरे हिसाब से आपकी मस्ट विजिट लिस्ट में होना चाहिए अगर आप दुबई आते हैं तो, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है और सिंगल प्लेस में आपको इतनी सारी कंट्रीज की चीज़ें देखने को और बाई करने को मिल जाएंगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।